भाई यहाँ से जो है ना हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, ये चंदा मैंने इकट्ठा किया हुआ था युद्ध के दिन। ईद के दिन हमेशा इस तरह के सिक्के मिलते हैं, ये देखो। जापानी बोली ही मैंने। वो ये कौन है? ये बताऊं कौन है? तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर सलाम अलैकुम। आए बड़ी देर बाद जो है ना हम लोग ये इंट्रो कर रहे हैं। बहुत सारे जो है ना हमारे चैनल पे नए भी हैं तो वो तो हम लोग जी जानते होंगे, लेकिन जो लेजेंड्स हैं पिछले 3-3 साल पुराने उन्होंने मिस किया होगा। तो क्या चल रहा है आजकल है? तो खैर एनीवेज आज जो है ना हम लोग डिफरेंट टाइप की वीडियो करने वाले हैं। हम लोग करने वाले हैं रिएक्टिंग टू माई चाइल्डहुड वीडियोस। भाई जब मैं काका सा था ना इतना सा, तब से लेके अब तक मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं आपके भाई की नैपियां पहनने से लेके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब पर है भाई। तो आज जो है ना हम लोग वो वीडियोस देखने वाले हैं। रुको बुला लेता हूँ ठीक है, क्योंकि उसने भी नहीं देखी हुई ये वीडियोस। मिलके जो है ना रिएक्ट करते हैं चाइल्डहुड वीडियोस पे, मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, देखनी है फिर। चलो जी तो चलिए शुरू करते हैं। भैया हमारा जापान में जो है ना छोटा सा अपार्टमेंट हुआ करता था, उसके नुक्कड़ में हम लोगों ने जो है ना डब्बे वाला कंप्यूटर रखा होता था। ये जापान में ना चीज को कहते हैं, मतलब एक साइन होता था। और ये है आपका भाई, और ये हूँ मैं। भाई आपका भाई बचपन से ही जो है ना कंप्यूटर का दीवाना था। कबूतर, कंप्यूटर को हमें कबूतर कहता था। ये देखो हमारे घर में ना गेस्ट वगैरह आए हुए थे, और मैंने जो है ना पहले तो मुझे सलवार मामा पहनाती ही ठीक है, तो उस दिन में जो है ना मैंने कहा हीरो बन लेते हैं, खुली सलवार पहनते हैं। मैंने एक ही टांग के अंदर दोनों टांगे डाल ली। बचपन में ज्यादा क्यूट नहीं था? मैंने देखना पूरा का पूरा जापान है। हम लोग 2000 से लेके 2006 या 2007 तक जापान में ही थे हम। ये भी हमारे घर में जो है ना जापानी गेस्ट वगैरह आए हुए थे, और आपका भाई जो है ना उनकी चोलियों में जाके बैठ जाता था। और नहीं मैं बच्चा था तब, वो देखो मैं, मुझे क्या पता यार, ये थी उस जमाने में। नॉटी स्माइली दे रहा, मुझे क्या पता यार, और वो एमी खलो खेल रही मेरे साथ। भाई ये जो है ना हमारा जापानी स्कूल में पहला दिन था। अरे इसकी मेरे पास फोटो भी पड़ी हुई है, मैंने लगाई हुई थी इंस्टाग्राम पे, ये लेफ्ट वाला मैं हूं। अरे यार मेरा पहला दिन था स्कूल का भाई, शक्ल देखो मेरी यार। हम लोग जो है ना अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं, बस आएगी हमें पिक करेगी, हमें स्कूल छोड़ने जाएगी। 2002 की बात है भाई ये, 2002। आपका भाई भी एक दिन छोटा हुआ करता है यार। अच्छा रोंदू नहीं थे हम, वो जो होते हैं ना कि हम पहले दिन स्कूल जा रहे हैं अम्मी अब्बू से दूर, तो रोना शुरू कर देते हैं। हम ऐसे नहीं थे, हम तो कहते थे भाई जा रहे हैं शुक्र है। तो भाई ये हमारी बस आ चुकी है स्कूल की, सही है, ये हमें पिक करती ही, हमें स्कूल जा छोड़ के जाती ही। नादे शिको योचेन नाम था हमारे स्कूल का, नादे शिको योचेन। और भाई मैं तुम लोगों को बता दूं, हमने जापान का वीजा लगा के ये जो लोकेशन है जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे जाना है, और हमने सारे सीन रिक्रिएट करने हैं। ये स्कूल बस हमने बैठना भाई इस पे, देखो कमी से ऐसे मिलते थे, ऐसे बड़ी इज्जत मिलती थी भाई हमें। अब तो पाकिस्तान में रहकर इज्जत नहीं मिलती, वहाँ पे जापान में इज्जत मिलती थी हमें। ये हमारा स्कूल है और मैं हूँ ठीक है। हाँ ये दोनों मेरी दोस्त हुआ करती हैं बड़ी अच्छी। हाँ जापानी लड़कियाँ बहुत दोस्त थी भाई हमारी। ये हमारी टीचर थी, बिल्कुल लग रहा ना जैसे डोरे मोड़ की टीचर है। और ये मेरी बारी आ गई। ये देखो ये सबसे राइट वाला मैं हूँ। आए ये देखो ऐसे चले मारते थे हम वहां पे बैठ के। भाई यहाँ से जो है ना हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, ये चंदा मैंने इकट्ठा किया हुआ था ईद के दिन। ईद के दिन हमेशा इस तरह के सिक्के मिलते हैं, ये देखो। जापानी बोली ही मैंने। वो ये कौन है? ये बताऊं कौन है? बताऊं कौन है? नहीं मुनीब, ये मुनीब है भाई, ये जो इस वक्त चारपाई के अंदर जिसको चादर में बैठा के हम लोग झूले दे रहे हैं ना, ये मुनीब है।
है ना। अब बताओ मैं इसको सही चंडे लगाता हूँ ना, बड़ा होके एम ही पहले इतना क्यूट हुआ करता था। वे ये मुनीब है वाकई में। ये मम्मा है नमाज पढ़ रही हैं, साथ मुनीब जो है ना झूल रहा। ये भी मुनीब है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, पता नहीं पिज्जा खा रहा है शायद, पता नहीं क्या खा रहा है। एक चीज खा रहा है सारे मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं। ये देखो ये हमारा मोबाइल हुआ करता था छोटा था। अरे मोबाइल देखो हमारे उस जमाने के। आज तक किसी को बिस्किट खाते नहीं देखा जो उसके पीछे पड़ गया। लेकिन अम्मा आप और पहले ही खा रहे हैं ना इतना बड़ा बड़ा। ये मैं बोल रहा हूँ बड़ा 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 बड़ा। अच्छा भला मुनीब हुआ करता है यार, फिर तुम लोग कहते हो उसको चंडे ना लगाओ। डब्बे वाले टीवी पे डोरेमोन देख रहे थे हम, हमारे पास डब्बे वाले टीवी होते थे उस पे डोरेमोन देख रहे हम। ये मुनीब और भाई छोटा, उसको देखो घोड़े पे बैठा हुआ है। अपना आप दिखाओ ना यार। मैं ना असल में थोड़ा बदसूरत हो गया था इस जमाने में ना, तो इसलिए मैं अपनी फुटेज नहीं दिखा रहा अभी। ये देखो मुनीब का घोड़ा रो रहा है। उसके सामने कोई भी गाना गाते थे ना रोना शुरू करते था। चबले चिल्ली की बिल्ली पाली ये देखो। मैं तुम्हें कह रहा यार इस जमाने में मैं थोड़ा बदसूरत हो गया है, इसलिए मेरी वीडियो मत देखो। ये जो है ना हम लोग अभी पाकिस्तान वापस आ चुके थे और हम लोगों ने जो है ना नॉर्दर्न का ट्रिप रखा हुआ था, नारायण का गान बैठे हुए अभी हम। ये देखो मुझे देखो यार, एम ये बाजार हुआ करता है, सोचा रहता है यार यूट्यूबर कैसे बनू। हाँ ये वो जमाना है फुल स्ट्रगलिंग। ना मैं सोता हा, ना मैं अपनी मर्जी का खाता हा, ना मेरा कोई दोस्त, सिर्फ काम। इस उम्र में मैं काम करता हा भाई। बाद में वो जेन जो शांत थी, उन जिन्होंने ये बताया कि देव खत्म हो चुके हैं, अभी खतरा भी टाल गया। मोटा बहुत ज्यादा हो गया था ना यार इस जमाने में। अभी भी इतने मोटे नहीं उस टाइम पे हो। हाँ उस टाइम पे मैं बहुत मोटा था। अरे यार मैं भी एक जमाने में छोटा था यार। ये मैं दोस्तों के साथ खेलने आया हुआ था पार्क में। ये चेक करो यार, ये मैं फुल पिंडी बॉय वाले स्पाइक्स बना के आया हुआ था मैं। तब नया नया जो है ना स्पाइक्स का ट्रेंड था, तो आपके भाई ने भी ट्राई मार ली। ये देखो उसके चिप्स छीन के भागे थे। बड़े बच्चों के लंच छीने हैं भाई मैंने स्कूल में। ये देखो बाल देखो, तुमने क्या सोच के स्पाइक्स बनाए थे। तो गैंगस्टर लग रहे भाई तुम्हारी उम्र। ओए बड़े बच्चे मारे हैं मैंने, बहुत मारा बच्चों को मैंने, सारे मैं ही खा रहा हूँ देखो। उसका रह ही नहीं गया कुछ। ये तैयारियां हो रही हैं इंशाल्लाह नारायण जाने की। भाई ये देखो हम लोग उस जमाने में नारायण का गान गए थे जब व्लॉगिंग नाम की चीज ही नहीं थी, और मेरा पापा जो है ना उस जमाने के व्लॉगर थे। वो सारा व्लॉग 2001 से लेके 2017 तक व्लॉगिंग सारा रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। ये हमारा पुराना घर यहाँ पे हुआ करता है। ये देखो उस जमाने में मैं यो प्रोफेशनल हुआ करता है। ये चेक करो, आए अब देखना, आए एंज एंज हुंदा था काम, आए आए ऐसे। और सेम तुम्हारी वो एक्सप्रेशंस अभी भी ऐसे होते हैं। हाँ जुबान निकाल दो मैं जब एड्रेनलिन में होता हूँ ना। हाँ जब गेम खेल रहे होते हो ना तब सेम इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। पाकिस्तान गॉट टैलेंट। क्या कर आज पता नहीं क्या हो गया आज पता नहीं क्या हो गया क्या हुआ? ये मैं दोबारा आया था प्रैक्टिस करके, अब देखना मेरा खराब हो गया था। ओए 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 अब देखना, ओए फैशन था भाई मैं। ये देखना यार ये जमाना था ना कोई टेंशन, ना कोई कच्छे कुछे, ना कोई चबले, बस सिर्फ स्कूल की टेंशन हुआ करती थी जो मैं लेता नहीं था। आप लोग तालियां बजाओ। मेरे बारे में बजाई नहीं और इसके बारे में क्यों हाँ क्यों बजाएं? हो गई है।
भाई नीचे कमेंट के अंदर अपने भाई को यार रेट तो करो जरा 1 से 10 में से, यो यो प्रोफेशनल था कि नहीं ये चक्कर। ओए हां जी अब मुकाबला होगा, आप तीनों आओगे, देखना है सबसे ज्यादा देर तक किसका चलता है। चलो भाई देखो वहां पे अकेला आपका भाई पाकिस्तानी जापानियों के बीच में बैठा होता है, सारे इतनी इतनी आंखें लेके बैठे होते थे, सिर्फ आपके भाई की बड़ी आंखें थी। तुम लेफ्ट आउट ही फील करते थे? लेफ्ट आउट नहीं, वो मुझे देखते हैं कि यार इतनी बड़ी आंखें हैं, जापानियों ने तो आंखें ही पहली बार देखी थी। लड़कियां ही देखती हैं, ये देखो देखो मेरी आंखें देख, ये मैं बैठा हूँ, ये मेरी आंखें देखना, बाकियों की देखना, ये देखो आंखें नहीं होती इनकी। ये हम लोग रेस्टोरेंट आए थे कुछ खाना खाना खाने, इफ्तारी हो रही थी हमारी। ये देखो मैं प्लेटें भर के बैठा हूँ, उस जमाने में भी चॉपस्टिक इस्तेमाल करते थे हम, और इस्तेमाल भी नहीं की जा रही मेरे से। ओ, नहीं कर रहे हो, अच्छी नहीं कर रहे। खाया जा नहीं रहा मेरे से। ये मेरी बर्थडे पार्टी थी, पीजे शीजे मंगाए हुए थे हम लोगों ने, केक वगैरह रेडी था। ये बस इस जमाने में बस मेरी बर्थडे बनती थी, मेरे ख्याल से ये मेरी आखिरी बर्थडे थी, उसके बाद से बर्थडे का चार्म खत्म हो गया था। ज्योमेट्री बॉक्स गिफ्ट मिला था मुझे ये क्या आईफोन के लिए लेके आए वो देखो वो मेरे मुंह पे देखा हुआ है कि ये क्या मिल गया मुझे है बर्थडे पे भी ज्योमेट्री बॉक्स। डिसअपॉइंटेड है सारी द लुक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बना रही है। कुछ नहीं हुआ मैं गिफ्ट देख के। साल की स्पीड देखो जरा किस स्पीड से खाता है। अच्छा यहाँ पे मैं मोटा होना शुरू हो रहा था हाँ, मोटा होना शुरू हो रहा था मैं यहाँ पे मैं थोड़ा पतला लग रहा हूँ। ये देखो कंप्यूटर पर आया हमारा पीछे, अब भी खाने में बिजी हूँ मैं तो यार ये थे कुछ बचपन की वीडियोस, और ऐसी बहुत ज्यादा है। अगर तुम लोग चाहते हो कि इसका पार्ट 2 भी बने तो मुझे नीचे कमेंट में बताना भाई, बहुत वीडियोस हैं। तो फिलहाल जो है ना यहाँ पे वीडियो एंड हो रही है, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना लाजमी। अचानक जो है ना आपके भाई को जो है ना पुरानी वीडियो मिल गई, मैंने कहा भाई इस पे रिएक्शन वीडियो बनाते हैं लेवल की। मिलते हैं कल।